हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे मिलने आई हूँ फिर एक न्यू रेसिपी लेके। और जो मैं आज रेसिपी लेके आई हूँ ये है मुगलई चिकन की, और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट इस रेसिपी को बना के देखते हैं और ये रेसिपी कैसे बनेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है और उसे वॉश कर लिया है। अब इस चिकन में मैं डालूंगी 2 बड़े स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी 2 बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, और डालूंगी इसमें नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, यानी 1 बड़ा स्पून डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा नमक। और लाल मिर्च पाउडर है 1 मीडियम स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके चिकन के साथ 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, और 1 घंटे के बाद फिर चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। मैं एक पैन ले रही हूँ हैवी बॉटम का, और इसमें डालूँगी 3 से 4 बड़े स्पून ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए चिकन को फ्राई करने के लिए, कोई इशू नहीं है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा इसमें मैं चिकन डालूँगी। ऑयल को मैंने हाई फ्लेम पर गर्म किया और हाई फ्लेम पर ही मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ ताकि चिकन जल्दी कुक हो जाए। इसे हमें 50-60% ही कुक करना है, यानी फ्राई करना है, ज़्यादा ड्राई नहीं करना है इसको फ्राई करके। नीचे मैंने एक एक करके थोड़े थोड़े करके सारा चिकन पॉट में ऐड कर दिया और इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में ऑलमोस्ट 5 मिनट लगेगा हमें, क्योंकि हाई फ्लेम पे हम कर रहे हैं तो इसका मॉइस्चर जल्दी रिलीज़ होगा और जल्दी ये फ्राई होगा। और एक तरफ मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के अनियन स्लाइस कट करके फ्राई करने के लिए रख दिए, और ये भी ब्राउन हो गया। इसको भी प्लेट में निकाल लेती हूँ अनियन को। तब तक चिकन देख लेती हूँ। चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट 30% हो चुका है, 2-3 मिनट में पूरा कंप्लीट ये हो जाएगा फ्राई होके रेडी। ये देखिए चिकन हो चुका है फ्राई जितना हमें चाहिए। अब इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। हल्के हाथों से हिलाते हुए मैं निकाल लूँगी सारे चिकन प्लेट में। ये आप देख सकते हैं कि ज़्यादा इसको ड्राई मैंने नहीं किया है फ्राई, क्योंकि चिकन में अभी भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर बाकी है। और ये मैंने कुछ होल स्पाइसेस लिए हैं, इन्हें खड़े गर्म मसाले लिए हैं। जीरा लिया है 1/2 स्पून, हरी इलायची 4, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, और 1 बेलीफ, 3 से 4 बेलीफ के पत्ते हैं, यानी तेजपत्ता। इन सब को फ्लेवर आने तक ऑयल में अच्छे से हम रोस्ट होने देंगे। और फिर मैं इसमें डालूंगी 2 बड़ा स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी मैं तब तक अच्छे से भूनूंगी ऑयल में जब तक इससे भी अच्छी खुशबू ना आना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए अच्छे से ये भून चुका है। अच्छे से स्टर कर लेते हैं इसको एक बार। और इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, जो मीडियम हम घर में यूज़ करते हैं वही नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर है 1 मीडियम स्पून। नमक टेस्ट अकॉर्डिंग 1/2 स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है, और इसमें 2.5 स्पून के करीब मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, यानी 2.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। इसको भी अच्छे से ऑयल में हम कुक होने देंगे। 1 कटोरी दही, काजू, सूखा नारियल और बादाम। ये 12 से 13 काजू के पीसेस हैं, और उतनी ही क्वांटिटी में बादाम भी मैंने लिया है, और 2-3 टुकड़े मैंने लिए थे सूखे नारियल के, और 1/2 कटोरी दही डाल के इन सबका मैंने पेस्ट बना लिया है एकदम फाइन पेस्ट। उसे मैं ऑयल में ऐड कर, जिसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और धनिया मिर्ची सब कुछ फ्राई किया था उसी ऑयल में, इन सब चीज़ों को हम डाल के अच्छे से भूनेंगे जब तक मसाला हमारा 20% कुक ना हो जाए, यानी मसालों से पूरा ऑयल अच्छे से रिलीज़ होना स्टार्ट ना हो जाए। तब तक हम इसे लो फ्लेम पे भूनते रहेंगे, और जैसे ऑयल मसालों से रिलीज़ होगा
देखिए मसालों से ऑयल रिलीज़ हो गया। अब इसमें मैंने आधी कटोरी जो दही बचा के रखी थी उसमें 2-3 चम्मच पानी डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया, यानी मिक्सी में डाल के घुमा लिया, अब वो उसमें ऐड कर दिया मैंने। इसे भी हम तब तक अच्छे से स्टर करते रहेंगे जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए, क्योंकि छोड़ने पे दही फट सकती है, इसलिए इसको हल्के हाथों से हिलाते हुए आप लो फ्लेम पे कुक कीजिए। अगर दही को हमने हाई फ्लेम पे कुक किया तो दही फटेगी भी और हमारी ग्रेवी भी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए इसे लो फ्लेम पे ही हमें कुक करना था। इसमें बॉयल भी आ गया, अब फ्राई अनियन मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी मसालों के साथ। और ये 1 से 1.5 मिनट में बहुत अच्छे से मसालों के साथ और अच्छे से गल जाएगा। अब कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 बड़ा स्पून सिर्फ कलर के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च को अच्छे से स्टर कर लूँगी मैं मसालों के साथ। और 1 मिनट के लिए इसको मैं कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए ऑयल रिलीज़ हो गया मसालों के साथ। अब इसमें फ्राई चिकन मैं ऐड कर रही हूँ। और सारे चिकन डालने के बाद इसको भी अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे चिकन को। और जैसे ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसे मैं कवर करके रख दूँगी 3 मिनट के लिए कुक होने के लिए। और 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए चिकन और मसालों से कितने अच्छे से ऑयल रिलीज़ हुए हैं। और ऐसे ही रफली तोड़ के मैंने हाथों से 3 से 4 हरी मिर्च ऊपर से ऐड की है। इसको अभी पूरा अच्छे से बस स्टर कर लेते हैं हम, कवर करके फिर 5 से 6 मिनट में इसको कुक होने दूंगी लो फ्लेम पे ही। देखिए 6 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ चिकन कितना सॉफ्ट हो चुका है कुक होके। उसको मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथों से चलाते हुए। अब इसमें मैं 1 बड़ा गिलास गर्म पानी ऐड कर रही हूँ और उसको भी मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ग्रेवी हमें इसमें बनानी है, क्योंकि मसाला बहुत ज़्यादा थिक है, उसको हल्का सा हमें पतला करना है और मसाले का फ्लेवर भी बैलेंस रहे, इसलिए गर्म पानी मैंने इसमें ऐड किया है। और ये देखिए 5 से 6 मिनट मैंने कवर करके रख दिया था कुक होने के लिए। इसको फिर मैं स्टर कर लेती हूँ एक बार। और मैंने पानी डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई कर दिया था, हाई फ्लेम पे मैंने इसको बॉईल किया है चिकन को। इसको स्टर कर लूँगी हल्के हाथों से ताकि चिकन बिल्कुल ना टूटे, क्योंकि चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, इसके रेशे अलग हो जाएंगे बोन से अगर मैंने काफ़ी तेज़ हाथों से इसको स्टर किया तो। और जो ग्रेवी के जो छींटे हैं बबल्स वो भी उछल उछल के आपके फेस पे आएंगे, सो आप प्लीज़ केयरफुली इसको स्टर कीजिएगा लो फ्लेम पे। फिर मैंने इसको 3 से 4 मिनट रखा था कुक होने के लिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 बड़े स्पून के करीब फ्रेश क्रीम। आपके पास क्रीम नहीं है तो दूध की मलाई आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको भी स्टर कर लेंगे हम। और ये देख सकते हैं आप कि चिकन कितना सॉफ्ट हो चुके हैं कुक होके। अब मैं गैस का फ्लेम नॉर्मल ही रहने दूंगी और उसी नॉर्मल फ्लेम पे ये कुक होगा। ये देखिए 3 मिनट के बाद मैं फिर दिखा रही हूँ आपको, मैंने लो फ्लेम पे रखा था 3 मिनट के लिए कुक होने के लिए। और 1 मीडियम स्पून के करीब मैंने गरम मसाला डाल के इसको कवर कर दिया था,
ताकि मसालों का फ्लेवर इसमें अच्छे से बैलेंस हो जाए। उसको स्टर कर रही हूँ 3 मिनट के बाद अब अच्छे से। अब मैं फिर 2 मिनट के लिए से कुक होने दूंगी। अब देखिए 2 मिनट के बाद मैंने गैस का फ्लेम भी ऑफ कर दिया और 2 मिनट के बाद ये मुगलई चिकन बन के रेडी हो गई है हमारी सर्व करने के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप इसी तरह गर्मा गर्म इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर इसका जो फ्लेवर है उसे बैलेंस करने के लिए इसे विदाउट कवर आप 2-3 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए, उसके बाद आप इसको सर्व कीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये बन के रेडी है हमारी मुगलई चिकन। आप इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए।